हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग 13 जून को होने वाले इम्पॉर्टेंट टारगेट्स एंड लेवल्स का बात करेंगे। तो अभी जिस तरीके से हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन और ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और ये ऊपर से इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, पहले से बियरिश था इसका, पहले से बियरिश था इसका ट्रेंड, अभी ऐसा पैटर्न बना है। जब भी ये इसको ब्रेक करेगा तो नीचे फिर से इसी सपोर्ट जोन में आ जाएगा। ठीक है, 600 वाले सपोर्ट जोन में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक नीचे अच्छा खासा इसमें फॉल हो सकता है, जिसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चले जाते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आएगी। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन के लिए, क्योंकि तो ये पॉइंट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिलाने की कोशिश करें तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन बनेगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोग लेवल्स लेंगे। और ये अगर यहाँ पे, ठीक है, आने वाले सेशन में अगर ये 6.8, ठीक है, 6.8 को नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो हमें पहला जो टारगेट यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, वो टारगेट मिलेगा 6.43.8 का, पहला टारगेट देखने को मिलेगा। एंड दूसरा टारगेट ये जो गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है 6.40 का। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की ओर दो टारगेट हैं अपने पास। और ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर अभी मोमेंटम आएगा इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, ठीक है, इस कैंडल के क्रॉस के बाद। अगर इस कैंडल को ये ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो हम लोग को पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 660 का मिलेगा। एंड उसके बाद का जो दूसरा टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा वो मिलेगा 664 का। ठीक है, तो ऊपर की ओर हमारे पास दो टारगेट हैं, नीचे की ओर भी दो टारगेट हैं। ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस लेवल ये लेवल अच्छे से काम तभी करेंगे जब ये शेयर यहीं पर कहीं पर ओपन हो। ठीक है, 3652 से लेके 646 के बीच में कहीं भी ओपन होता है। 46.8 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 643.8 का, दूसरा टारगेट 640 का। एंड ऊपर की ओर अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, या फिर यहीं पे गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है, 655 को क्रॉस करता है, पहला टारगेट 660 का, दूसरा टारगेट 664 का हमें देखने को मिलेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, चैनल पर नया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।